तो दोस्तों कैसे हो आप सब। और यहाँ पे IQ90 के लिए एक और नया अपडेट आ चुका है। एक छोटा सा अपडेट है और यहाँ पे काफ़ी कुछ चेंज हुआ है, मतलब कि कुछ नए फीचर्स ऐड हुए हैं, वो सारा चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा। और ये वीडियो का बनाने का कारण ये है कि भाई कुछ चीज़ में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है फनटच OS 13 के बाद। और ये अपडेट जो आया है छोटा सा अपडेट है, बट उसमें इसमें दो तीन चीज़ है जिसमें काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट आ गया है पहले से। और इसीलिए ये कारण के लिए जो है मैं सोचा कि आप लोग साथ शेयर करना जरूरी है यार, क्योंकि काफ़ी चीज़ जो है कुछ कुछ जगह में काफ़ी अच्छा सुधार हुआ है। तो चलो सारा चीज़ वीडियो में बताऊंगा क्या इम्प्रूवमेंट आया है जहाँ पे मैं बोल रहा हूँ और क्या नया फीचर्स ऐड हुआ है। बट चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को क्लिक कर नोटिफिकेशन का ऑल जरूर कर लेना ताकि वीडियो आप लोग तक पहुंचे। तो चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देख लेते हैं कि छोटा सा जो अपडेट फनटच OS 13 के बाद आया है ये कैसा है। तो भाई चलो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ पहले अपडेट कौन सा आया है। और उसके पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर मेरे शॉर्ट्स आप लोग नहीं देखे हो, मैं यहाँ पे एक शॉर्ट्स जो है डाला हुआ हूँ इस चैनल पे, और वो शॉर्ट्स है ये केस का। तो भाई ये प्रिंट शॉपी से मैंने उसको ऑर्डर किया था और यहाँ पे जो है नाम भी लिखा हुआ है, यानी कि आप कस्टमाइज़ कर सकते हो, अपना फोटो वगैरह भी लगा सकते हो और कस्टमाइज़ भी कर सकते हो। youtube.com/sanjeev mission यहाँ पे नाम भी है, तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो वो वीडियो। ये एक्चुअली हार्ड केस है और वहाँ पे मैंने अनबॉक्सिंग की है और बताया है कि केस कैसा है। चलो तो पहले यहाँ पे वीडियो में आप लोग को जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा था वो उस चीज़ को मैं लेके आता हूँ। यहाँ पे देखो एक अपडेट आया है मेरे पास और ये अपडेट 3 दिन पहले आया था, 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद मैं आप लोग को यहाँ पे रिव्यू दे रहा हूँ इस अपडेट का, क्योंकि इस अपडेट को यूज़ करने के बाद मुझे लगा कि नहीं ये चीज़ आप लोग से शेयर करना चाहिए कि काफ़ी कुछ कुछ जगह में काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ है। अपडेटेड नवंबर 2022 का ये जो है सिक्योरिटी पैच भी यहाँ पे आप लोग को मिल जाएगा देखने को। ये अपडेट अगर देखा जाए तो भाई ये अपडेट ज़्यादा का नहीं था, ये 272/300 MB के अंदर का था। बट यहाँ पे आप लोगों को मैं पहले बताता हूँ क्या क्या चीज़ चेंज हुआ है। तो देखो अब यहाँ पे क्या है ना कि पहला चीज़ जो है ये चेंज हुआ है कि अब लॉक करते हो ना तो ये जो है ये ऑप्टिमाइज हुआ है काफ़ी। फिंगरप्रिंट सेंसर का जो आइकन आता है और फिंगरप्रिंट सेंसर जो आप अनलॉक करते हो तो ये काफ़ी ऑप्टिमाइज हुआ है और पहले के मुकाबले ये काफ़ी फास्ट, वैसे पहले भी फास्ट होता था, फ़र्क समझ में नहीं आएगा जब तक आप लोग यूज़ नहीं करोगे, बट मैं यहाँ पे काफ़ी दिनों से इसको यूज़ कर रहा हूँ इसलिए मुझे हल्का सा फ़र्क लग रहा है कि ये काफ़ी जल्दी ओपन हो रहा है पहले कंपेयर से। अब चलो अब मैं बताता हूँ कि आपको जो है क्या नया फीचर्स ऐड देखने को मिलता है। तो भाई आप स्वाइप करोगे नीचे की तरफ तो यहाँ पे एक नया बार आ गया है, देखो टाइम के नीचे, ठीक है। और ये जो बार है यहाँ पे आपको दिखाएगा कि आपका नेट कितना यूज़ हो रहा है, आप मोबाइल डाटा यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको दिखाएगा कि जैसे कि मेरा जियो है तो देखो दिखा रहा है कि मेरा नेट कितना यूज़ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आप डायरेक्टली जो है आप यहाँ से स्वाइप डाउन करके देख सकते हो कितना आपने नेट यूज़ किया है। यहाँ पे आप नया आइकन देख रहे हो वो वाईफाई जो है एक नया यहाँ पे जो है आ गया है यहाँ पे आइकन, ठीक है। अब इसको आप अगर ऑन कर दोगे तो ये क्या होगा कि वाईफाई को, अगर वाईफाई से कनेक्ट है तो वाईफाई कॉलिंग आपका एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो है दो चीज़ें ऐड हुआ है जो मुझे देखने को मिला है, अगर आप लोग कुछ नया चीज़ देखने को मिला है तो आप लोग कमेंट से मुझे ज़रूर बताना। अब चलो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि भाई इम्प्रूवमेंट यहाँ पे पहले से क्या आप लोग को काफ़ी अच्छा मुझे देखने को मिला है फनटच OS 13 के बाद। तो देखो भाई फनटच OS 13 का वीडियो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो, मैं ऊपर कार्ड में लिंक दे रहा हूँ वहाँ पे आप लोग जाके चेकआउट कर सकते हो। फनटच OS 13 का रिव्यू मैं वहाँ दिया हुआ हूँ। वहाँ पे देखो दो प्रॉब्लम मुझे लगा था, एक मेन प्रॉब्लम मुझे लगा था वो था बैटरी को लेके, ठीक है। बैटरी को लेके भाई समस्या थी थोड़ा सा, मुझे ऐसा लग रहा था कि बैटरी वहाँ पे जो है आपको उतना अच्छा, मैं थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ है बैटरी का जो बैकअप है, बट वो इशू अब यहाँ पे फिक्स हो चुका है और यहाँ पे पहले से काफ़ी बेहतर अच्छा बैटरी बैकअप मुझे अब मिल रहा है। और मैं इसको जैसे मैंने कहा 3 दिन से यूज़ कर रहा हूँ तो मैं उसके बाद आप लोग को यहाँ पे बता रहा हूँ वीडियो बना के, भाई इसका बैटरी बैकअप जो है काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। और फनटच OS 13 के बाद जो बैटरी बैकअप में थोड़ा सा डाउनग्रेड हुआ था वो भी फिक्स हो गया है और काफ़ी अच्छा बैटरी बैकअप देखने को मिला है। तो ये जगह में काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ है इस अपडेट के बाद। अब दूसरी जो जगह है जहाँ पे अच्छी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है वो इसकी साउंड क्वालिटी, भाई स्टीरियो सेपरेशन अब काफ़ी अच्छा से यहाँ पे निखर के आ रहा है, बट अब स्टीरियो सेपरेशन काफ़ी अच्छा लग रहा है और साउंड, इसके वजह से क्या हो रहा है
स्टूडियो सेपरेशन काफी अच्छा यहाँ पे हो गया, उसके वजह से ऐसा लग रहा है कि साउंड जो है थोड़ा सा लाउड हो गया है। भाई बराबर स्टूडियो सेपरेशन अब देखने को मिल रहा है 50-50 का। पता नहीं भाई ये साउंड क्वालिटी में अगर देखा जाए तो भाई पहले से काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हुआ इस अपडेट के बाद। पता नहीं इतना दिन से, ये जब नया नया फ़ोन जब आया था तब उस टाइम में ऐसा सेपरेशन नहीं था, बट ये अपडेट के बाद तो भाई सेपरेशन काफ़ी मुझे अच्छा देखने को मिला। यहाँ पे काफ़ी अच्छा क्वालिटी इम्प्रूव देखने को मिला है साउंड के बारे में, साउंड के डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो ये दो चीज़ था। तो अगर आप लोग के पास अगर ये अपडेट आता है तो आप लोग भाई आराम से कर सकते हो, ज़्यादा नहीं है, 300 MB के अंदर का अपडेट है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था जहाँ पे मैंने बताया था कि भाई अगर आपका पुराना फ़ोन स्लो हो गया है तो उसको फास्ट कैसे करें, या अगर आप बजट फ़ोन यूज़ कर रहे हो, आपको प्रॉब्लम हो रही है, लैग हो रहा है, हैंग हो रहा है, तो उसकी सॉल्यूशन क्या है, तो वो भी मैं ऊपर कार्ड में लिंक दे रहा हूँ, तो आप लोग जाकर चेकआउट कर सकते हो। चलो तो इस वीडियो में इतने था, उम्मीद करता हूँ वीडियो आप लोग को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग एक लाइक दबा सकते हो और जितना हो सके वीडियो को शेयर कर सकते हो। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो और बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑल जरूर कर देना अगर सब्सक्राइब करते हो तो, और करते हो क्या यार, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन क्लिक कर नोटिफिकेशन को ऑल कर देना। नीचे कमेंट सेक्शन में कुछ भी आप पूछ सकते हो, लिख सकते हो, आपके लिए कमेंट सेक्शन बना हुआ है तो आप कुछ भी वहाँ पे जो है थ्रो कर सकते हो। चलो मैं फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर और अपना ख्याल रखना।